शेडिंग आती है, अच्छा जैसे आप अच्छा देख रहे हो इसकी लाइट शेडिंग है, इसकी थोड़ा डार्क शेडिंग हाँ है। इसकी डार्क है हाँ ये डार्क शेडिंग है, ये लाइट शेडिंग है। तो इसी के अंदर भाई, भैया ये है अमेरिकन कॉकर स्पैनल है, अमेरिकन कॉकर स्पैनियल। स्पैनियल, हाँ ये इनमें थोड़ा छोटे बच्चे हैं, अब कलर इनका डार्क भी, सा लग रहा हाँ है। देखो इनका कलर देख सकते हो। बट इसमें क्या है, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, बाकी और कोई भी ब्रीड आप अरे देख लो, उसकी टंग जो है आपको पर्पल। इडली वड़ा गोभी खाने वालों, बात ऐसी घर के जैसी। आज हम दोबारा आ चुके हैं अमित भाई के पास। क्या हाल है अमित बढ़िया भाई, बढ़िया, आज बढ़िया, क्या बढ़िया। लायो भाई, जहरीली कहाँ बुला लिया, आज तो बड़ी दूर। एक्चुअली क्या है भैया, आज अपने फार्म पे लेके आए हैं आपको अच्छा दिखाने के अच्छा लिए, क्योंकि कई बार काफी सारे लोग हमसे भी पूछते हैं कि भैया आप जो अभी घर पे जो आपने दिखाते हो हमारे पर्सनल डॉग हैं, जो सही फार्म बात पे हम पे काफी डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स अवेलेबल हैं, तो है। इसीलिए मैं आपको आज फार्म पे दिखाई लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ काफी सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के पप्पीज हैं, तो मैं वही आपको दिखाऊंगा आज क्योंकि वन बाय वन डिमांड भी आ करके। रही थी भाई, और ब्रीड दिखाओ और ब्रीड दिखाओ। तो चलो गाइस, तुम्हारे लिए ले आए हम ये है चाओ चाओ चाओ, चाओ। और इसके जैसी 10 और ब्रीडे हैं भाई। तो हाँ पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उठा आ जा लेते हैं भाई, आ जाए। और अमित भाई का नंबर चलेगा स्क्रीन पे बीच बीच में, तो किसी को भी कांटेक्ट करना हो कॉल या व्हाट्सएप करके आप ऑर्डर कर ये सकते ले हैं। से। ओ भाई साहब, ये देखो गाइस, चाओ चाओ ब्राउन, ये तो गोल्डन रिट्रीवर ये वाले गोल्डन की, है। गोल्डन एंड ब्लैक। हाँ तो भाई थोड़ा बताओ इनके बारे में। ये भैया चाओ चाओ ब्रीड है, ठीक है, ये स्मॉल ब्रीड के अंदर आते हैं, अच्छा अच्छा मीडियम सॉरी मीडियम ब्रीड के अंदर आते हैं चाओ मीडियम, चाओ। ये पंच फेस के होते हैं अच्छा ज्यादातर, अच्छा और ये हेयरली ब्रीड है, और ये क्या नाम है, ज्यादातर लोग मीडियम घर के अंदर या नॉर्मली इसको रख सकते हैं। थोड़ा सा हेयर का इसका शेडिंग का इशू होता है, क्योंकि इसमें हेयर वाली थोड़े हेयर इसके बड़े होते हैं, जो कुछ लोग शॉर्ट हेयर लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा ये टफ है, क्योंकि इनके बाल थोड़ा ज्यादा बड़े और होते हैं, फिर बट होते हैं मीडियम ही है। थोड़ी फिर गर्मी भी लगती है हाँ, इनको लेकिन थोड़ी। चाओ चाओ ब्रीड एक जो है ये चाइनीज ब्रीड है, और इसके बारे में जो इसका आप देखते हैं इसकी प्योरिटी को अगर आप जज करना चाहते हैं, तो उसका पंच फेस होना चाहिए, जो आप इसकी टंग्स देख रहे देखो हो भाई देखो, यही हाँ एक ऐसी ब्रीड है, मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरे देखो, वर्ल्ड के अंदर जिसकी टंग्स जो है पर्पल होती है। हाँ ये देखो, बाकी और कोई भी ब्रीड आप अरे देख लो उसकी टंग जो है आपको पर्पल नहीं मिलेगी, हाँ सही बस बात है। इसी की जो टंग्स है वो पर्पल होती है, अगर पर्पल नहीं है तो वो ओरिजिनल चाव चाव नहीं है। अच्छा ये भी ये सबसे हाँ बड़ा ये डिफरेंस आप है। क्वालिटी जज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, चाव चाव के अंदर पंच फेस होना चाहिए और जो उसकी टंग है वो पर्पल होनी चाहिए, अगर पर्पल नहीं है तो फिर वो ओरिजिनल चाव चाव नहीं है, मिक्स है वो तो इस मतलब। तरीके से आप इसकी क्वालिटी जज कर सकते हो। इसमें भी काफी सारे कलर्स आते हैं, लाइक ब्लैक हो गया, ये गोल्डन हो गया, और इसके अंदर आपका ऑरेंज कलर भी आता है, ऑरेंज, हाँ ऑरेंज कलर भी आता है, क्रीम कलर भी आता है, बट ज्यादातर जो इसके बेसिक कलर हैं वो यही है जो मेरे हाथ में ये लग रहा है, गोल्डन और ये ब्लैक मिल जाएगा ना आपके हाँ, पास ये सब इजीली मिलेगा। मिल जाते हैं। देखिए मेरे पास और भी हैं पीछे, ये रे चाओ चाओ, ये देखो गाइस, हाँ और तो भी हम हैं। आपको मेन मेन बच्चे दिखा रहे हैं जो मतलब बिल्कुल अभी 45 दिन के हो चुके हैं। हाँ जी हाँ तो जी, भाई इनकी इसका जो एज क्या जो है, है अभी अराउंड वही है, 35-38 डेज के अराउंड है ये अच्छा पप्पी। अच्छा अच्छा हाँ जी, तो एज के अकॉर्डिंगली जो उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए वो भी अभी कंप्लीटेड है, और जो भी इनकी डाइट है वो डाइट वगैरह ये नॉर्मली जो डॉग फूड स्टार्टर फूड जो होते हैं वो ये ले रहे हैं, खा रहे हैं ऑलरेडी, उसके साथ साथ जो भी इनका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू रनिंग में है अभी सही बात। अकॉर्डिंग टू एज। तो भाई ये बताओ क्या रहने वाला है हिसाब किताब अपनी ऑडियंस के लिए, हाँ भैया भाईचारे देखो, वाले अगर लिए। इसकी हम प्राइसिंग की बात करें तो मेरा ऑलवेज कहना यही होता है, प्राइस डिपेंड ऑन क्वालिटी, आप जैसी रेट लेना चाहते हैं उसी हिसाब से आपको क्वालिटी मिलेगी। क्वालिटी वाला फॉर एकदम, एग्जांपल अभी आप जैसी क्वालिटी ये देख रहे हैं, इस क्वालिटी में अगर आप चाओ चाओ का बच्चा लेते हैं तो अराउंड जो अभी का मार्केट रेट है उसके हिसाब से अराउंड 30 के समथिंग रेट चल रहा है थर्टी इनका। तीस तीस हाँ बत्तीस 30-28-30 का इनका रेट है, हाँ। बाकी ये प्राइस कोई फिक्स नहीं होता है, अप भी जाता है और डाउन भी जाता है, सही वो बात डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर कि मार्केट में कैसी अवेलेबिलिटी है, अगर मार्केट का अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो प्राइस आपको कम मिलेगा, सही मार्केट बात में अवेलेबिलिटी कम रहेगी तो प्राइस अप हो जाता है, सही तो बात। यही चीज है। बाकी अगर प्राइस आप क्वालिटी थोड़ा सा डल लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा प्राइस भी आपको कम में मिल जाएगा, सही क्वालिटी अगर बात, डल लेते हैं तो। मतलब ये स्टैंडर्ड है 30 तक हाँ रहेगा जी इसका, जी जी अच्छी बेस्ट क्वालिटी, इस बेस्ट टाइप की क्वालिटी, क्वालिटी हाँ वाला। इस टाइप की क्वालिटी। अगर इससे आप थोड़ा सा डल जाए, आप जैसे मान के चलिए इसका जो आप देख रहे हैं हेड के ऊपर ये नोस है, और ये क्या भी ये पंच फेस देख रहे हैं, इसका फेस जो है इसका जो इसमें गैप नहीं है, काफी सारे आप चाओ चाओ देखोगे उसका फेस काफी लंबा हो जाता है, वो चीज अच्छी नहीं होती है चाओ चाओ के अंदर, वो क्वालिटी सुपीरियर नहीं होती मिक्स है। हो गई वो, इंफीरियर हाँ गई। मतलब एक तरीके से 100% प्योर नहीं कह सकते उसको, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसलिए सही बात। अब दिखाते हैं अगली ब्रीड। तो गाइस अगली ब्रीड आ चुकी है लैब्रा, ये देखो गोल्डन कलर, कितने सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट बच्चे हैं, इसके बारे ये में बताओ देखिए भाई। भैया ये गोल्डन लैब्राडोर है, और ये अच्छा पंच फेस वाले बच्चे हैं, हैवी बोन वाले, क्योंकि आप इनका बॉडी स्ट्रक्चर देख सकते हो, फुली हैवी बोन के बच्चे हैं ये, सही मैं आपको बात, दिखा देता हूँ, पास से दिखाओ। ये देखिए एक लैब्राडोर होते हैं पंच फेस वाले नहीं होते, लंबे से फेस के होते हैं, ब्रॉड हेड नहीं होता, इनका हेड देख लीजिए कितना हैवी है, फुली हैवी बोन के बच्चे हैं ये,
और इनके आप पॉज वगैरह देख सकते हो, फुल्ली हैवी हैं। और इनका बॉडी वेट की बात करूँ तो अप्रोक्सली मान के चलो एक बच्चे का बॉडी वेट 3.5-4 किलो का है। और जो इनकी एज की बात करूँ तो अभी एज इनकी है अराउंड वही मान के चलो 35 या 38 दिन के समथिंग है पप्पी है ये, इतना वेट है। हाँ, और इनका बॉडी वेट अभी 3-3.5 किलो का बॉडी वेट है। फुल्ली शो क्वालिटी के बच्चे हैं ये, हैवी बोन के अंदर। इसी के अंदर एक नॉर्मल ब्रीड भी आती है लैब्राडोर की, जो आपने अक्सर बॉडी स्ट्रक्चर देखा होगा लैब्राडोर का, काफी लोगों के पास देखे होंगे, लंबे से फेस के, छोटा सा हेड होता है, पतली सी पूंछ होती है, लंबी सी पूंछ होती है। तो वो सब क्या है, वो एक थर्ड क्लास क्वालिटी में इंक्लूड होता है, लेकिन वो सब ऐसा इसमें नहीं होता। ये देखिए इसकी कितनी शॉर्ट टेल है, लैब्राडोर का मतलब ही है शॉर्ट टेल। अगर लैब्राडोर की शॉर्ट टेल नहीं है तो फिर वो बेकार है। शॉर्ट टेल और जो उसका हेड है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, और जो उसका मजल है वो आउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा शॉर्ट मजल होना चाहिए, क्योंकि पतले से मुंह का, लंबे से मुंह का हो जाता है वो अच्छा नहीं लगता, लाइक पोमेरियन टाइप। सही बात, सही तो बात। वैसी चीजें लैब्राडोर के अंदर होना मतलब एक थर्ड क्लास क्वालिटी है। अगर उस क्वालिटी में अगर आप बच्चे लेते हो तो नॉर्मली आपको 7-8 हजार रुपए का बच्चा मिल जाता है। लेकिन अभी सुपीरियर क्वालिटी की बात करें तो ये बच्चा अप्रोक्सली मान के चलो आप 13-14 हजार रुपए का बच्चा पड़ता है इस क्वालिटी में। इस क्वालिटी, हाँ इस क्वालिटी में लेते हो। अगर एवरेज क्वालिटी आप लेते हो तो फिर आपको हल्का बच्चा फिर हल्के रेट पे मिल जाता है। सही बात, हम गाइस प्रीमियम क्वालिटी के रेट बता रहे हैं इस वीडियो। हाँ जी हाँ जी, हल्की क्वालिटी के लिए स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। देखिए भैया मैं बता रहा हूँ ना, उसमें क्या ये होता है कि देखो काफी सारे लोग कहते हैं भैया आप इतने का दे रहे हो, हमें बाहर से इतने का मिल रहा है, या वो बंदा सेकंड पर्सन, कंपैरिजन होता है भाई, कंपैरिजन होता है। तो मेरा सबसे सिंपल लॉजिक यही है और सबसे सिंपल आपका कहना यही है लोगों से कि आप सबसे पहले क्वालिटी चेक करो, 10 लोगों से आप क्वालिटी चेक करो, जहां से आपको सुपीरियर क्वालिटी मिले वो लीजिए। ईयर्स भी देखो कितने बड़े हैं इसके, लॉन्ग ईयर्स हैं, यही मैं कह रहा हूँ ना। क्योंकि देखो अगर आप हैवी बोन का बच्चा लेना चाहते हो और बजट भी कम रखना चाहते हो तो उसका दोनों काम एक साथ नहीं होते, पॉसिबल नहीं है। या तो आप क्वालिटी मिस करोगे या फिर आप बजट मिस करोगे, तो वही चीज है। या तो आप क्वालिटी को थोड़ा सा अप करने के लिए आपको थोड़ा बहुत बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज देखो अगर आपका बजट नहीं है आप रुक के लो वो चलेगा, लेकिन हल्का बच्चा लेने से अच्छा है कि आप अच्छा बच्चा लीजिए। अमित भाई एक और बात बताओ, जैसे अपनी ऑडियंस है बाहर दूसरी स्टेट से देख रही है तो ऑल इंडिया डिलीवरी मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, मेरे पास ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है, एवरीडे मेरा बच्चा कहीं ना कहीं जाता ही है। अच्छा, अच्छा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में मेरे पास सेफ्टी के साथ, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, बाई ट्रेन भी हमारे बच्चे जाते हैं, बाई बस भी जाते हैं और बाई फ्लाइट भी जाते हैं। ट्रेन से भी भेजते हैं तो हमारा पर्सन जाता है साथ में, फ्लाइट से जाता है तो फिर फ्लाइट वालों की दिक्कत होती है, और सॉरी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और बस से भेजते हैं तब भी हमारा लड़का साथ में जाता है। तो गाइस ऑल ओवर द इंडिया डिलीवरी मिलने वाली है। हाँ, तो इनका रेट भी हमने बता दिया, अब दिखाते हैं आपको अगली ब्रीड। तो भाई अगली ब्रीड कौन सी है ये अपनी? ये भैया हमारी सिरजू ब्रीड है, सिरजू। वाह, हाँ, सुंदर सुंदर, हाँ, बेबी डॉग्स। तो ये सिरजू ब्रीड है जिसको हम टॉय ब्रीड में इंक्लूड करते हैं। अच्छा, ये लॉन्ग हेयर वाली ब्रीड है और खासकर 50% लोग इसी को लेना पसंद करते हैं जो छोटे अपार्टमेंट में या नॉर्मल हाउस के अंदर रहते हैं, स्मॉल हाउस के अंदर रहते हैं, वो इन्हीं को लेना पसंद करते हैं क्योंकि हेयर वाली ब्रीड होती है और फुली फ्रेंडली ब्रीड होती है अकॉर्डिंग टू पप्पीज और अकॉर्डिंग टू छोटे बेबी और या फिर छोटे अपार्टमेंट वालों के लिए काफी यूजफुल ब्रीड है ये। इजीली मेंटेन है, लो मेंटेनेंस होती है तो इजीली रख सकते हो उसे, और फुली मार्किंग के अंदर है, आप देख लीजिए ये सिरजू होगी, पास से दिखाते हैं, पंच फेस है एकदम, आप देख सकते हो फुली पंच फेस वाले बच्चे। अब इसके अंदर भी दो ब्रीड आती हैं, सेम सिमिलियर दो ब्रीड होती है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ये सिरजू है, इसी का सेम सिमिलियर ब्रीड होती है एक लासाप्सो, उसका भी सेम ऐसा ही सब कुछ होता है, बट फर्क ये है कि उसका जो कोट होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और जो सिरजू का कोट होता है वो एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड पकड़ना, जो सिरजू का ये कोट होता है जो होता है बहुत ज्यादा स्लो स्मूथ होता है, और जो लासा का होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो सेकंड चीज, सिरजू का जो ये नोज है ये पंच होता है, और जो लासा का होता है नोज थोड़ा सा आउट होता है। अच्छा। और थर्ड इसके अंदर सिम्टम्स ये है कि लासा जो है हमेशा बाइट करता है, सिरजू कभी बाइट नहीं करता। आप ये इन चीजों को जज कर सकते हो सिरजू और लासा के अंदर कि ये लासा है या सिरजू, क्योंकि सिरजू कभी बाइट नहीं करता, स्मूथ कोट होता है इसका, और जो ये नोज है वो अंडर नोज होता है, पंच फेस होता है, ये चीज होता है। मैं इसको भी, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, एक सेकंड पकड़ना, मेरे पास दो बच्चे और हैं, दिखाओ। ये देखिए ये दो बच्चे और हैं, ये छोटे हैं बच्चे, इनसे इनकी जो एज है वो छोटे हैं अभी, ये 40 डेज के हैं या 35 डेज के हैं। अच्छा, ये इनमें थोड़ा छोटे बच्चे हैं अभी, इनका भी, हाँ इनका कलर देख सकते हो, बट इसमें क्या है मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, इसमें और इसमें क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क है। अब मे भी शायद आप लोगों को नहीं आइडिया लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत फर्क है क्वालिटी में, अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा होगा वो बता सकता है। इस बच्चे का फेस देख लीजिए कैसा फेस है, दिखाते हैं गाइस, ये देखो, पहले इसका देखो फिर इसका देखो, अब इसका फेस देखो बिल्कुल पंच है, और इसका फेस देखो मजल जो है थोड़ा सा उठा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो चीज नहीं होनी चाहिए सिरजू के अंदर।
तो बेस्ट क्वालिटी अगर इसको इंक्लूड किया जाए तो इस टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए, ये दोनों बेस्ट क्वालिटी है, ये चीज होनी चाहिए सिरजू के अंदर देखने वाली। तो यही चीज थोड़ी थोड़ी होती है कि क्लाइंट ना कई बार कहते हैं भैया हमें तो इतने का मिल रहा है आप बढ़ा के दे रहे हो, तो सर हम जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराते हैं वो 100% प्योरिटी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के कराते हैं, ताकि भाई क्वालिटी के अंदर आपको कहीं से कहीं तक कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। सही बात, क्योंकि देखो सर ये ऐसी चीज है जो आपने 8-10 साल अपने साथ रखनी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने आज ले ली पसंद नहीं आ रही उठा के स्टोर रूम में डाल दी, तो ऐसी हाँ तो ये लाइफ स्टॉक चीज है आपके साथ रखी जाएगी, अगर दिल से लोगे और दिल से पालोगे, अगर चीज अच्छी नहीं निकली तो ना तो उसे आप छोड़ पाओगे ना दिल से रख पाओगे। सही बात, तो इसीलिए जब भी लो अच्छी तरीके से लो, चेक करके लो, क्वालिटी को हमेशा फोकस करिए, क्वालिटी के ऊपर प्राइस पर फोकस मत करिए, क्योंकि प्राइस पर फोकस करोगे तो आप कहीं ना कहीं क्वालिटी मिस कर दोगे। सही बात, उम्मीद भाई क्या रहने वाला है इनका, इनका जो प्राइस पहले बेस्ट क्वालिटी का बताओ। हाँ अभी जो बेस्ट क्वालिटी इस टाइप की जो क्वालिटी है उसका जो रेट है 18-20 हजार रुपए का रेट है। ठीक है ठीक है, अगर थोड़ा हल्का बच्चा लेते हो तो उसके हिसाब से फिर 2-3 हजार रुपए लेस हो जाता है। अच्छा, अगर अच्छा सुपीरियर क्वालिटी चाहिए तो 18-20 हजार रुपए का बच्चा भी आराम से मिल रहा है मार्केट में। से भी इसका रेट, हाँ जी हाँ जी, और वही मैंने आपको बताया कि देखो जो ये प्राइस रेंज है कोई फिक्स नहीं होता है, कि कई बार कस्टमर कहते हैं भैया आपने तो हमें इतना बताया था, तो ये कोई फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर और डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। गाइस अब वीडियो को एक महीने बाद देखेगा और फिर बोलेगा तो इनकी ये हो ना हो अवेलेबल, नहीं नहीं हाँ वही चीज है ना कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, मार्केट में हो सकता है उसमें प्राइस तेज हो जाए तो फिर हमें तेज भी बेचना पड़ता है, और कम हो जाता है तो हम लेस भी करके देते हैं, ये जरूरी नहीं है। लॉकडाउन के अंदर आप यकीन नहीं मानेंगे यही बच्चे हमने 70-70 हजार रुपए के बेचे हैं। ओ भाई साहब, उस समय इतना रेट हाई चला गया था, तो यही चीज है। अच्छा चलो चलो भाई, भैया ये है अमेरिकन कॉकर स्पैनियल है, अमेरिकन कॉकर स्पैनियल, स्पैनियल हाँ, पहली बार सुन रहा हूँ इतना बड़ा नाम भाई। हाँ ये भी एक मीडियम ब्रीड है। अच्छा अच्छा, इसके लॉन्ग हेयर होते हैं, काफी लंबे लंबे हेयर हो जाते हैं इनके, और ये भी लाइक बीगल जैसी डॉग है, लेकिन बीगल अच्छा। का क्या थोड़ा सा बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है। अच्छा। इसमें भी 2-3 कलर आपको मिल जाते हैं, ये गोल्डन है, ब्लैक है, ज्यादातर इसमें यही 2 कलर आते हैं, बाकी अच्छा। इसमें एक लीवर कलर भी आता है। अच्छा अच्छा, और क्या नाम है, एक सिल्वर कलर भी आता है, 2-3 कलर आते हैं, वो थोड़ा रेयर कलर है, लेकिन जो इसके कॉमन कलर है वो ब्लैक और गोल्डन ही है, तो उसमें से ये गोल्डन कलर है। तो इसका भी सेम वही चीज है कि आप देख सकते हो बिल्कुल पंच फेस का ये पप्पी है, हैवी बोन में, ब्रॉड हेड है बिल्कुल, अंदर पॉज वगैरह देख सकते हो, फुली हैवी पॉज है इनके। तो यही चीज आपको कॉकर स्पैनियल में देखने वाली है कि आप जैसे आप इसको क्वालिटी का और ब्रीड का अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्योर है या नहीं है। अच्छा, तो इसका क्या रहेगा हिसाब किताब? इसका जो हिसाब किताब है भैया, नॉर्मली अभी जो कॉकर का बच्चा है आराम से 25-30 हजार रुपए के बीच में ही है, 25 का भी हो सकता है, 27 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। सुपीरियर क्वालिटी लेते हो तो रेट थोड़ा अप हो जाएगा, अगर थोड़ा सा एवरेज क्वालिटी लेते हो तो रेट थोड़ा डाउन हो जाएगा। ओके, तो ये है, सो ये 25-30 के बीच में इनका बच्चा आपको इजिली मिल जाता है, अमेरिकन कॉकर स्पैनियल। इसमें भी दूसरा एक आता है इंग्लिश कॉकर स्पैनियल। अच्छा हाँ, उसका रेट थोड़ा सा हाई होता है, ये अमेरिकन है, इंग्लिश का रेट थोड़ा हाई होता है, ये अमेरिकन है गाइस। हाँ जी हाँ जी, और गोल्डन और ब्लैक भी अवेलेबल है अभी। हाँ हाँ, ब्लैक भी है, गोल्डन भी है, दोनों कलर इजीली मिल जाएंगे आपको अगर किसी को चाहिए तो। ओके गाइस, ठीक है, तो गाइस अगली ब्रीड है अपनी गोल्डन रिट्रीवर, इसके बारे में बताओ भाई। भैया ये गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है और बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में से एक है ये। इसमें भी थोड़ा सा लॉन्ग हेयर रहते हैं इसके, ये लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर दोनों ही सेम ब्रीड है, जो आप लोगों ने इंटरनेट एंटरटेनमेंट मूवी के अंदर देखी है वो ये वही डॉग है, ये वही वाला डॉग है। इसके अंदर भी डार्क और लाइट गोल्डन वाले शेडिंग आती है, जैसे आप देख रहे हो इसकी लाइट शेडिंग है, इसकी थोड़ा डार्क शेडिंग है, इसकी डार्क है। हाँ ये डार्क शेडिंग है, ये लाइट शेडिंग है, तो इसी के अंदर डार्क शेडिंग में ही और लाइट शेडिंग में ये गोल्डन कलर में ही मतलब बच्चे मिलते हैं इसके। एक कलर इसका और आता है जिसको हम ब्लैक कहते हैं, जेट ब्लैक में भी आते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर है। अच्छा। वो बहुत रेयर है, उसका प्राइसिंग भी फिर काफी अप है, रेयर की वजह से ही प्राइस अप होता है उसका। सही बात। तो ये गोल्डन रिट्रीवर है, इसका भी आप देख सकते हो फुली हैवी बोन बच्चा है ये, ब्रॉड हेड के अंदर, पंच फेस के अंदर बच्चा है आप देख सकते हो। और इसके अंदर भी मैंने 2 बच्चे इसीलिए उठाए हैं कि दोनों में आपको क्वालिटी कंपेयर करा सकूं, क्योंकि इसके अंदर जो आप ये वाला बच्चा देख रहे हो लाइट शेडिंग वाला, इसकी जो क्वालिटी है वो अप है, और जो ये क्वालिटी है ये अच्छा बच्चा है, लेकिन इससे थोड़ा डाउन है। हां डाउन है, इससे थोड़ा डाउन है, क्योंकि देखो आप सामने देख सकते हो बच्चे दोनों आपके आंखों सामने पास से दिखाते हैं, ये देख लीजिए मैं आपको इसके सामने दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो है ये बच्चे की जो क्वालिटी है ये थोड़ा हल्का बच्चा अकॉर्डिंग टू ये प्रीमियम क्वालिटी है, ये थोड़ी सी लो है। हाँ लो नहीं कह सकते, ये भी ठीक है क्वालिटी, लेकिन इससे कम है, ये क्या कहते हैं, ये इससे कम क्वालिटी है और अच्छा बच्चा है ये भी, बिल्कुल डार्क टॉप क्वालिटी का बच्चा है। अगर कोई मेरा भाई डॉग वगैरह लेना चाहते हैं तो अपने पास सारे विद पेपर मिलते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह सब कंप्लीट करके देते हैं। अच्छा, साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी होती है कि अगर आप जो भी हमसे डॉग लेके जाता है वो अपना हैंड टू हैंड जाओ
और किसी भी डॉक्टर के पास ले जाके हेल्थ चेकअप कराओ। अगर बच्चे के अंदर 1% भी कोई इशू है तो हम आपको बच्चा एक्सचेंज करके देंगे हैंड टू हैंड। डाइट वाइट भी बताओगे किसी को कंफ्यूजन रहे तो? जो भी कंफ्यूजन है देखो, मिनिमम ये बच्चे जो है ये भी 39 डेज के बच्चे हैं ये। अच्छा, तो इनकी जो डाइट है वो स्टार्टर फूड चल रहा है, स्टार्टर फूड ये खा रहे हैं, उसके साथ में आप दही दे सकते हो, अंडा दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, यही सब चीजें हैं जो आप छोटे बच्चे को, इस एज के वाले बच्चों को दे सकते हो। और बाकी अपने होममेड नहीं दिया जाता है, जना होममेड देते हैं ना ही उनको दूध देते और ना ही बाहर का कुछ खाना देते हैं। तो स्टार्टिंग एज में यही सब इनको दिया जाता है जो मैंने आपको अभी बता दिया। अंडा नहीं, अंडा दे सकते हो, दही दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, डॉग फूड दे सकते हो, लाइट लाइट चीजें। हाँ जो क्या, हाँ जी हाँ जी, यही सब चीजें आप दे सकते हो इसको। तो इसका क्या रहने वाला है, पहले हैवी हैवी का बताओ। देखो सर, इस क्वालिटी में अगर आप बच्चा लेते हो तो इस क्वालिटी में बच्चा आपको अराउंड मान के चलो 18-20 हज़ार रुपए का भी मिल जाएगा। 18 से 20 के? अच्छा, 18-20 हज़ार रुपए का इस क्वालिटी में। अगर इस क्वालिटी में लेते हो तो आपको 15-16 में भी मिल जाएगा। 15-16? हाँ जी। तो ये अकॉर्डिंग टू रेट, क्वालिटी का इसका रेट है। तो जैसी क्वालिटी वैसे हिसाब से इनके रेट हैं। ये दोनों अलग अलग सुपीरियर क्वालिटी है, अपनी जगह दोनों बेस्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में फर्क है, तभी रेट में फर्क है। सही बात है, सही बात। हाँ जी गाइस, लास्ट ब्रीड है अपनी बीगल। ये देखो, हाइपर एक्टिव सुंदर बच्चा, इसके बारे में बताओ भाई। भैया ये एक बीगल डॉग है, बीगल एक हाइपर एक्टिव डॉग है, मीडियम ब्रीड के अंदर इंक्लूड होते हैं ये, और एक हाइपर एक्टिव डॉग है। अगर आप घर में चाहते हो कि घर में शांत माहौल रहे तो वो ये नहीं रहने देगा। बहुत शरारती होता है घर में, बहुत सारी चीजों को ये खेलने में बिगाड़ भी देता है कई बार। तो ये बहुत ज्यादा नटखट होता है, जिनके घरों में पॉजिटिव एनर्जी नहीं है और जो जिनके घरों में शांत माहौल रहता है, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं करने वाला है, उसके लिए बहुत अच्छा डॉग है। इसको आप लेके जाओ, अगर आपको इसको शांत रखना है तो इसको बंद करना पड़ेगा, ये इतना एक्टिव होता है। सही बात, ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव डॉग है। इसका भी क्या है, बीगल के अंदर इसकी आप क्वालिटी जज कर सकते हो। जैसे इनके व्हाइट पॉज होते हैं, हेड पे व्हाइट कलर का टीका होता है, जो ये ईयर है ये लॉन्ग होने चाहिए, ये जो टेल है इसके ऊपर व्हाइट ऐसे ही, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ मार्किंग ऐसी होनी चाहिए। ये पॉज पे पिछले अग्रे और पिछले दोनों पॉज पे व्हाइट कलर की मार्किंग होती है। अच्छा। बाकी ब्लैक और ये जो शेडिंग है ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं, कोई ब्लैक हो जाता है पूरा, कोई ब्लैक एंड व्हाइट भी हो जाता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं है। बाकी हेड के ऊपर मार्किंग और जो इसके मजल के ऊपर ही मार्किंग है ये मस्ट होती है। बीगल अच्छी क्वालिटी का अगर आप लेना चाहते हो, अच्छी मार्किंग का, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। जैसे ये है और ये है, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सही बात। तो इसका बताओ भाई। भैया इसका जो अभी प्राइसिंग है वो अराउंड मान के चलिए 14-15 हज़ार रुपए का बच्चा इजीली अभी बिक रहा है, सुपीरियर क्वालिटी के अकॉर्डिंगली। बाकी अगर थोड़ा सा डाउन क्वालिटी लेते हो तो आपको नॉर्मल बच्चा मिल जाता है, कोई 11-12 हज़ार रुपए तक भी मिल जाते हैं बच्चे। अच्छा, वो डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, आप कैसी क्वालिटी ले रहे हैं उसी हिसाब से ये डिपेंड करता है। तो अमित भाई, मेल फीमेल पे भी रेट का फर्क होता है या? ये जो मैंने अभी तक जो रेट आपको बताए ये मेल के रेट बताए। अच्छा, फीमेल के रेट इनसे कम होते हैं। अच्छा, 1-2 हज़ार और कम होंगे? नहीं, काफी डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी फीमेल अराउंड आपको 9-10 में मिल जाएगी। अच्छा, 9-10 में फीमेल मिल जाएगी। और वही अब जैसे मैंने आपको गोल्डन रिट्रीवर दिखाया था, उसकी फीमेल भी आपको 10-11 हज़ार रुपए में मिल जाती है। मतलब 4-5 हज़ार रुपए का फर्क होता है मेल फीमेल के। हाँ जी हाँ जी, और जरूरी नहीं सब में 4-5 हज़ार का हो, जैसे कुछ और ब्रीड में, हाँ किसी में 2 भी होता है, किसी में 3 भी होता है, किसी में 10 भी होता है, वो डिपेंड करता है ब्रीड के ऊपर, ब्रीड कौन सी है। सही बात। हाँ जी हाँ जी। तो गाइस इसी के साथ हमने सारी ब्रीड दिखा दी, स्क्रीन पे चल रहा है नंबर, कुछ भी ऑर्डर करना हो व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, ऑल इंडिया डिलीवरी रहने वाली है। और अमित भाई अपनी ऑडियंस के लिए डिस्काउंट तगड़े वाला आपके लिए बिल्कुल डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर भाई का कोई नाम लेके अगर मेरे को रिकमेंड करेगा तो मैं आपको उसको बेस्ट बेस्ट डिस्काउंट जो हो पाएगा वो आपको करके दूंगा। और गाइस स्क्रीन पे नंबर चल रहा है और लोकेशन मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो भाई अपनी लोकेशन भी समझा दो एक बार इनको। अपनी लोकेशन है दिल्ली कालका जी, आप गूगल सर्च करोगे एके पेट शॉप, मेरी लोकेशन और मेरी एड्रेस सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, उसी के ऊपर मेरी सारी चीजें अवेलेबल है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई फटाफट। इडली वड़ा करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे बढ़ते सारे बावली तरेड़, मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूतने और तेरे लूप पे जूस बजेंगे टूथ पे। लेवल 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 ही अलग है तेरे भाई का।